सोलन के धर्मपुर में सीआरपीएफ कैंप के नजदीक उस समय स्थिति तनावपूर्ण बन गई जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की गाड़ी के आगे एक चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट बस के ड्राइवर ने बस आगे लगा दी। जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री उस समय गाड़ी में मौजूद थे और वह गुग्गा माड़ी मेला स्पाटू में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने जा रहे थे। पुलिस में मंडी के ड्राइवर गुरदेव सिंह की शिकायत पर बस को बाउंड और बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बस को पास न मिलने के कारण बस के ड्राइवर ने मंत्री की गाड़ी के आगे बस लगा दी और बस से नीचे उतरकर मंत्री के ड्राइवर के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दे डाली। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने बस ड्राइवर और बस को कस्टडी में ले लिया है। मामले की पुष्टि एएसपी शिव कुमार शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के ड्राइवर की शिकायत पर बस को बाउंड किया गया है और बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के समय मंत्री स्वयं भी कार में मौजूद थे। हमारे पास मिस्टर गुरदेव सिंह हैं, जो कि इनकी मंत्री जी की गाड़ी चलाते हैं। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जब ये गाड़ी लेके धर्मपुर सीआरपीएफ कैंप के पास पहुंचे तो अचानक से एक चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जो है वो आई और इस चालक ने इनकी गाड़ी को अपनी गाड़ी सामने खड़ी करके रोक दिया और एकदम नीचे आकर जो है शीशा गाड़ी इनसे शीशा डाउन करवा के गले से पकड़ लिया और इनके द्वारा पहनी हुई शर्ट को फाड़ दिया और इनको जान से मारने की और गाड़ी को जलाने की धमकियां देने लगा। ये गुरदेव सिंह जी हैं, ये माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो है हिमाचल प्रदेश सरकार में, उनकी गाड़ी को चलाते हैं और ये इस ड्राइवर के वर्जन के अकॉर्डिंगली उस टाइम जो है मंत्री जी गाड़ी में ही थे और इनको लेके गुग्गा माड़ी मेले में बतौर मुख्य अतिथि वहां पे जा रहे थे। तो इस पे पुलिस ने 353, 341, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है और जो ये बस थी इसको इंपाउंड कर लिया गया है और इसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है।